भाइयों नमस्कार। मैं आया हूँ ग्राम बूढ़ा, तहसील बिलहरी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 8 एकड़ का फार्म हाउस, जो कि काले रोड से लगा हुआ है। 8 एकड़ में से 5 एकड़ में खेती हो रही है और 8 एकड़ में लगभग 1300 से 1500 फुट का आपको काले रोड में मिलेगा फ्रंट। मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ इस ज़मीन में 8 एकड़ में 1300 फुट से 1500 फुट का फ्रंट है। एक मकान बना हुआ है, बोर है, 5 एकड़ में तारवाड़ी है और 5 एकड़ में हो रही है खेती। तो देखिए, मैं आपको अब घूम के पूरा 1500 फुट का फ्रंट जो है वो दिखाने वाला हूँ काले रोड से। ग्राम बूढ़ा की ज़मीन है ये, देखिए मैं काले रोड में खड़ा हुआ हूँ ज़मीन के किनारे। जिला कटनी शहर से मात्र 20 किलोमीटर, देवगांव बूढ़ा रोड। देवगांव बूढ़ा रोड है जो कि भोपाल हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर अंदर है। हम जो कटनी से भोपाल हाईवे है उससे मात्र 1 किलोमीटर हम अंदर आए हुए हैं, बूढ़ा रोड कहलाता है। ये देखिए 1300 से लगभग 1500 फुट का फ्रंट आपको पूरी 8 एकड़ ज़मीन में मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फ्रंट वाली ज़मीन है ये, और 5 एकड़ में अभी खेती है इस साल। पिछले साल पूरे 8 एकड़ में थी, परंतु इस साल मात्र 5 एकड़ में खेती हुई है। ये देखिए आप पूरा, मैं रोड ये देखिए यहाँ से लेके ये टर्निंग पॉइंट से लेके और पूरा 1500 फुट का पीछे तरफ पूरा जाएगा। ये देखिए खेती, सामने धान दिख रही है आपको, 5 एकड़ में धान लगी हुई है, पूरे 5 एकड़ में तार बाड़ी है। ये देखिए धान दिख रही है, मैं रोड में खड़े होके अंदर का दिखा रहा हूँ। ये धान लगी हुई है और ये देखिए रोड है, काला रोड है, बढ़िया फ्रंट का। ये देखिए मैं रोड से वीडियो लिया हूँ, आपको अंदर से भी थोड़ा जाके दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर बहुत धान लगी हुई है, तिली लगी हुई है और घास फूस भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा अंदर तक मैं नहीं जा सकता हूँ, परंतु कुछ हिस्से में जाकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए पूरा काला रोड है, ये देवगांव बूढ़ा रोड कहलाता है, जो कटनी से भोपाल हाईवे उससे लगभग 1 किलोमीटर अंदर हम आए हुए हैं काले रोड पर। और बहुत ही बढ़िया ज़मीन है, बहुत ही मौके की ज़मीन है, शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है और फ्रंट भी बहुत अच्छा है। पानी का लेवल 50-60 फुट पे पानी है और बहुत बढ़िया पानी है खेती के लिए। बोर है, बिजली की भी व्यवस्था है। ये देखिए ये 3 एकड़ वाला हिस्सा जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो 5 एकड़ से भी लगा हुआ है, वो भी 3 एकड़ ज़मीन है, पूरा रोड पे है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए सूखे झाड़ के बाजू से ये 3 एकड़ ये बाहर वाला हिस्सा है, इसमें इस साल खेती नहीं हुई है। पिछले साल इसमें खेती हुई थी और गेहूं की फसल इसमें लगी थी, लेकिन फ़िलहाल पे अभी इस पर धान या अभी बरसात की फसल नहीं लगाई गई है, परंतु ये रोड से लगा हुआ हिस्सा है। तो संपूर्ण ज़मीन को मिला के लगभग 1300 से 1500 का फ्रंट है।
दूसरी तरफ बेयर हाउस बनने वाला है। बेयर हाउस के लिए ज़मीन ली जा चुकी है। इसका ये सामने वाला हिस्सा है, तो बहुत बढ़िया ज़मीन है। जिन साथियों को खेती के लिए शहर के पास में फार्म हाउस के लिए या इसमें आपको स्कूल कॉलेज भी बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शहर से लगी हुई ज़मीन है, कस्बे से लगी हुई ज़मीन है। रीठी तहसील से मात्र 10 किलोमीटर पे है और बिलहरी तहसील से 5 किलोमीटर पे ये ज़मीन है। अब मैं आपको ये ज़मीन में अंदर से जाके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए अंदर, ये मैं ज़मीन के अंदर आ चुका हूँ। ये रोड है बाहर का और ये मकान बना हुआ है, 2 कमरे का मकान है। बड़े बड़े कमरे हैं, 2 कमरे हैं। ये देखिए अंदर जो है तिली एवं धान दोनों फसल लगी हुई है, क्योंकि ज़मीन ठेके से दी जा चुकी है। तो ये देखिए 2 कमरे का मकान है और मकान के सामने बोर भी है। ये देखिए आरसीसी मकान है और ये सामने बोर है। और ये देखिए बोर के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये तिली की फसल लगी हुई है। तिली के बाद सामने तरफ और जाएंगे तो ये धान लगी हुई है। ये देखिए मैं आपको धान की फसल भी दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए धान की फसल लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया धान लगी हुई है और तिली भी बढ़िया है। हालांकि इधर भी धान लगती थी परंतु इस साल इन्होंने धान यहाँ नहीं लगाई है, तिली लगा दिया है, परंतु यहाँ भी धान होती है। ये देखिए बहुत अच्छी धान लगी हुई है। तो शहर के पास का बहुत ही बढ़िया रकबा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जिन साथियों को 8 एकड़ का फार्म हाउस चाहिए, बढ़िया काले रोड से चाहिए, दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और जो भी जानकारी चाहिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको जो है संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। हमारा चैनल देखने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद और हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद।